नमस्कार दोस्तों, काफ़ी मित्रों ने मुझसे जानना चाहा कि पेट्रोल पंप पर PUC सिलेंडर डालना है तो क्या फॉर्मेलिटी रहती है। दोस्तों, फॉर्मेलिटी के लिए मैं आपको बता दूं, सर्वप्रथम तो आपको एक PUC मशीन खरीदना रहेगी जो ARAI अप्रूव्ड रहती है। यह लिस्ट आपको गूगल पर मिल जाएगी और जिस वेंडर से आप खरीदेंगे उसके पास भी सर्टिफिकेट रहता है अप्रूवल। और सर्वप्रथम तो आप इसके लिए आपके आसपास किसी पेट्रोल पंप पर जाएं, वहाँ संपर्क करें कौन सी मशीनें लगा रखी हैं उन्होंने और अच्छी चल रही है, वे मेंटेनेंस कम है, इजी टू ऑपरेट है। थोड़ा एक 10-15 दिन आप सर्वे कर लीजिए, एक रफ हल्की सी ट्रेनिंग ले लीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, कागज में जो चीज़ें लगती हैं यह मैं मध्य प्रदेश की बता रहा हूँ, अमूमन ऑनलाइन के लिए सब जगह एक जैसे ही कागज़ होंगे। एक सेंट्रल सेंटर का एड्रेस आता है विद गूगल मैप, जिसमें कोऑर्डिनेट्स आना चाहिए, वो प्रिंट करके एक फाइल में लगाना है। ये सारी चीज़ें एक फाइल में आपको तफसील से लगा कर देना है। डिटेल्स ऑफ इक्विपमेंट्स, कौन सी मशीन लगा रखी है, GST सर्टिफिकेट आपके पेट्रोल पम्प का, आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ प्रोप्राइटर एंड पार्टनर, मशीन की AMC रिपोर्ट, ये मशीन वाले आपको देंगे वेंडर, मशीन की कैलिब्रेशन रिपोर्ट यह भी वेंडर देंगे आपको, मशीन जो आपने खरीदी है उसका परचेस इनवाइस की कॉपी, प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप जो पंप है उसके पैन कार्ड, पार्टनर्स का क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसका सर्टिफिकेट। और दोस्तों, एक स्टाफ इसमें ऐसा चाहिए रहता है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से या तो डिप्लोमा हो या डिग्री हो या फिर ITI हो, उसका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लगाना आवश्यक है। इसमें एक क्वालिफाइड आदमी होना चाहिए जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग साइड से हो। इसके अलावा एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट आता है जो आपका रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस RTO देगा, उसमें आपको फॉर्म भर के देना है। और फीस होती है नॉमिनल, कुछ कहीं 1000 रुपये होती है, कहीं 1010 रुपये या फिर जो भी होती है। तो यह तो दोस्तों पेपर फॉर्मेलिटी हो गई। अलावा इसके आप जिस भी वेंडर से मशीन खरीदेंगे आप उससे बात करिए कि ऑनलाइन लाइसेंस और पूरी कार्रवाई करके और मशीन चालू ऑनलाइन करके वह देगा, इस शर्त पर ही मशीन खरीदिए। क्योंकि दोस्तों, आप मशीन खरीद के जाएंगे RTO में, आपको काफ़ी समय लग जाएगा, प्रक्रिया थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में आपको समय भी लगेगा। तो समय बचाने के लिए आप मशीन का जब डील करते हैं तो उस डील में ही शामिल कर लीजिए और वे हंसी खुशी कर देते हैं, तो कोई विशेष दिक्कत नहीं उनके लिए, वे दिन रात ये करते रहते हैं तो आसानी से काम हो जाता है। अब दोस्तों, इसके सेटअप में कम से कम 5 फीट बाय 5 फीट का एक कियोस्क आप बनवा लें, अच्छा सुंदर सा, जिसमें इसकी मशीनें आएंगी। मशीन दो रहती है या फिर एक रहती है, दो रहती है पेट्रोल या डीजल की अलग अलग रहती है, और आजकल कॉम्पैक्ट भी आने लगी है जिसमें एक यूनिट में दोनों पेट्रोल डीजल की मशीनें समाहित रहती हैं। इसके अलावा लेमडा टेस्टर रहता है, मैग्नेट जो उसका RPM निकालता है, स्मोक एनालाइजर प्रॉप रहती है जो गाड़ी के एग्जॉस्ट पर जाके स्मोक को पहुंचाती है मशीन तक, जो मशीन फिर एनालाइज करती है। एक लैपटॉप रहेगा दोस्तों, एक प्रिंटर रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, एक मोबाइल आपको डेडिकेटेड रखना पड़ेगा जो एक सिम के साथ हमेशा उस सेंटर पर ही रहेगा। तो यहाँ पर यह ध्यान रखें कि शुरू से ही अलग से नंबर एक खरीद कर उसमें कोई डाटा का पैकेज लेकर वह साथ में शुरू से रखें, और कुर्सी टेबल रहेंगे व्यवस्थित रखा रहे। पेट्रोल डीजल की मशीनें तो अलग अलग रखी रहे, एक दूसरे के ऊपर ना रखें। बारिश आए तो आप इस कियोस्क को बंद कर सकें, धूल आंधी वगैरह से इसे बचाए रखें। ऐसी जगह रखें जहाँ एक या दो गाड़ी खड़ी हो सके।
अब दोस्तों अप्लाई आप करते हैं, कागज़ में कुछ भी कमी पेशी निकलती जो भी होता है, तो वह आप दूर करके थोड़ा आपको इसके लिए भिड़ना पड़ेगा, शिद्दत से फॉलोअप करना पड़ेगा जब तक कि ऑनलाइन चालू ना हो जाए। आपने अप्लाई किया, आपका एप्लीकेशन वहाँ एक्सेप्ट हो गया, आईडी जनरेट हो जाएगा, पेट्रोल के लिए एक आईडी रहेगा, डीजल के लिए एक आईडी रहेगा, या फिर हो सकता है दोनों के लिए एक ही रहे, जैसा भी जिस राज्य का हो, और ये आईडी हमेशा चलेगा। एक आपको नंबर मिलेगा जो आपका सेंटर नंबर रहेगा, जो आपके सर्टिफिकेट पर प्रिंट होकर आएगा बाद में। तो दोस्तों आरटीओ के अधिकारी आपकी एप्लीकेशन देखेंगे, सारी चीज़ों की सत्यता जांचेंगे, और फिर उसके बाद एक अधिकारी आएगा आपकी पंप पर, और वो पंप पर आकर देखेगा कि मशीन का सेटअप आपने अच्छे से लगा रखा है, सुचारू रूप से आप पीयूसी लोगों की बना सकते हैं, और आपके पंप के स्टाफ को पीयूसी बनाना अच्छे से आता है या नहीं आता है, उसे जानकारी है या नहीं है। यह सब संतुष्टि होने के बाद में वे इस रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही फिर आपको ऑनलाइन कर देते हैं और आपका ऑनलाइन चालू हो गया। ये छोटी सी प्रक्रिया रहती है दोस्तों, इसमें खर्चा आता है, एक तो जगह का खर्चा, जो 25 स्क्वायर फीट तो कियोस्क का रहता है, साथ में दो गाड़ी खड़ी करने की जगह हो, दो या तीन गाड़ी की, साथ में आपके जो स्टाफ है वो ट्रेंड होना चाहिए, और बेहतर है दोस्तों इसके लिए आप 8-10 दिन किसी दूसरे पंप पर जाएं, आपके किसी भी मित्र के पंप पर होगी पीयूसी, वहाँ स्वयं ट्रेनिंग हासिल करें, स्वयं इसकी डिटेल्स जानकारी पता करें, तो आसान रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ को ट्रेन करें दोस्तों अपने, ताकि आपका कोई ग्राहक खाली न जाए, और एक एक्सपर्ट स्टाफ भी रखें जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग साइड से हो, तो ये इसके लिए ज़रूरी कंडीशन रहती है। और इस तरह से आपका पीयूसी चालू हो गया है, यह सिंपल प्रक्रिया होती है। दूसरे वीडियो में बताऊंगा मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पीयूसी को कैसे कवर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे कमाना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।